हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं द यिन एंड यांग मास्टर मूवी की। सो गाइस, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि अब से बहुत साल पहले डीमन और ह्यूमन साथ में मिलकर रहा करते थे। फिर एक दिन नाइन हैंड वाले मॉन्स्टर ने सारे डीमन को अपने साथ इकट्ठा करके ह्यूमन पर राज करने की कोशिश की, लेकिन तभी यिन यांग मास्टर ने अपनी पावर से उस मॉन्स्टर का हेड काट दिया, जिससे वो नाइन हैंड वाला मॉन्स्टर तो मारा गया लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरी, जिसको मास्टर ने एक रेड कलर के स्टोन में कैद कर दिया। वो स्टोन इंसानों की देखरेख में रहता है, लेकिन आज बहुत सालों बाद उस स्टोन को चुराने के लिए कुछ डीमन ने फिर से हमला किया। इस बीच में काफी सारे सिपाही मारे गए, जिसमें एक सीमो नाम का भी सिपाही था जो कि यिन यांग का बहुत अच्छा दोस्त था। उन सारे सिपाहियों में से सिर्फ एक सिपाही बचता है, जिसका नाम किंग मिन होता है। तभी उस जगह पर मास्टर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि सारे सिपाही मर गए हैं लेकिन किंग मिन जिंदा है, तो उन्हें लगता है किंग मिन डीमन के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो उसे गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन किंग मिन टेलीपोर्ट होकर वहाँ से भाग जाता है। तभी हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम ऑफिसर बोया को देखते हैं। वो कुछ सामान को एक शहर से दूसरे शहर ले जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन पे 3 हेड वाला डीमन अटैक कर देता है, लेकिन ऑफिसर बोया उस डीमन का एक सिर काट देता है, पर वो डीमन अपने सिर को उठाकर अपनी बॉडी पर फिर से लगा लेता है। तो ये देखकर सारे सिपाही डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बोया वहाँ से नहीं भागता है, वो उन लोगों से लड़ने लगता है। उस लड़ाई में डीमन के ऊपर से कपड़ा हट जाता है, तो पता लगता है वो कोई डीमन नहीं 3 फेरेट्स हैं। बोया उन पर अटैक कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर किंग मिन आ जाता है और उसे अपने जादू से रोक देता है, क्योंकि उसने ही उन 3 फेरेट को भेजा था। किंग मिन नहीं चाहता था कि बोया उस सामान को वहाँ से लेकर जाए, इसलिए वो बोया पे एक जादुई मंत्र करता है और उस सामान को लेकर अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि उस रेड पत्थर को चुराने के लिए डीमन फिर से आ जाते हैं। एक डीमन उसको पकड़ लेता है, लेकिन वो वहीं टावर में फंस जाता है, लेकिन फिर कुछ दूसरे डीमन उसके हाथ से वो स्टोन को लेकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन बैनी उस पर एरो से अटैक कर देती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है, और जहां वो गिरा होता है वहां पर वही फेरेट्स होते हैं। वहां पर सिपाही भी आ जाते हैं और उन डीमन से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो स्टोन उन फेरेट को मिल गया होता है। उन तीनों फेरेट में लड़ाई होने लगती है उस स्टोन के लिए, लेकिन कुछ देर बाद वो स्टोन एक फेरेट के हाथ में लग जाता है और वो फेरेट उस स्टोन को निगल लेता है, और वो डीमन अपनी बॉस आइस डीमन के पास आ जाता है और उसे बताता है कि स्टोन उनके हाथ नहीं लग पाया, लेकिन स्टोन टावर से बाहर आ चुका है, वो 3 फेरेट के पास में है। नाकाम होने पर आइस डीमन उस डीमन को बर्फ से जमा देती है। तभी उसका एक और साथी दिखाते हैं, जिसके कने एक हाथ होता है जो कि मॉन्स्टर की तरह होता है। वो उस हाथ से उस डीमन की गर्दन को काट देता है। तभी वो फेरेट किंग मिन के पास आ जाते हैं और किंग मिन को सारी बात बताते हैं और कहते हैं इसने कुछ अपने पेट में निगल लिया है, इस वजह से इसकी हालत खराब हो गई है। किंग मिन जब उस फेरेट को चेक करता है तो फेरेट के मुंह से ब्लैक जादू निकलता है, जिससे किंग मिन एक हेलुसिनेशन में चला जाता है। दरअसल में वो हेलुसिनेशन नहीं, वो उस पत्थर के अंदर का रेल्म था, जहां पर उसे वो 9 हेड वाले मॉन्स्टर की आत्मा दिखती है जो कि जादुई पत्थर में कैद है। तभी किंग मिन उस रेल्म से बाहर आ जाता है। उसके बाद में वो उस फेरेट को एक रूम में बंद कर और एक मंत्र से सील कर देता है, क्योंकि अब वो समझ चुका था ये वही स्टोन है जिसके चक्कर से 7 साल पहले उस पर झूठे इल्जाम लगे थे। इसके बाद में वो एक तलवार को ढूंढने के लिए चला जाता है, जिससे यिन यांग मास्टर ने उस 9 सिर वाले मॉन्स्टर को मारा था। जिसके बाद में कुछ सिपाही मास्टर और वैनी को बताते हैं वो रेड पत्थर किंग मिन के फेरेट के पास में है। तभी हमें बोया को दिखाते हैं, उसके कुछ हेड ऑफिसर उस पर गुस्सा हो रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें अपना सारा सामान वापस लाना होगा 3 दिन के अंदर। तो बोया भी किंग मिन को ढूंढने के लिए चला जाता है। बोया एक सेरल नाम की लड़की के पास में आता है, जो कि ये जानती थी कि किंग मिन कहाँ मिलेगा और उसे ये भी पता था कि डीमन लैंड कहाँ पर है। और बोया शेरन से ये भी कहता है कि तुम्हें किंग मिन को ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। तो बोया शेरन को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो लोग डीमन लैंड के दरवाजे पर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ से आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। तो शेरन एक मंत्र पढ़कर वहाँ पर डालती है, जिससे वहाँ पर ब्रिज सामने आ जाता है और फिर वो लोग वहाँ चले जाते हैं। अंदर बहुत सारे डीमन होते हैं और किंग मिन भी अक्सर अपना बिजनेस करने के लिए वहाँ आता जाता रहता है। तभी वो दोनों वहाँ पर किंग मिन को ढूंढने में लग जाते हैं। कुछ देर बाद किंग मिन उन्हें मिल भी जाता है। बोया उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किंग मिन उस पर एक मंत्र पढ़कर वहाँ से अंदर की तरफ चला जाता है। तो वहाँ पर एक हेड डीमन मिलता है जो कि एक फिश डीमन होता है, उसी के पास में वो तलवार थी, लेकिन फिश डीमन उसे वो तलवार देने से मना कर देता है क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल हथियार था, उससे डीमन्स को बहुत ज्यादा खतरा था। तो किंग मिन उसके साथ में ट्रेड करने की कोशिश करता है। वो उसे उस तलवार के बदले में 2 इंसान देने को कहता है जो कि कोई
कोई और नहीं बोया और फेरल थे। तो इस बात पे फिश डीमन मान जाता है। तभी फिश डीमन बोया को एक फाइट के अंदर डाल देता है जहाँ पर बोया को एक डीमन से लड़ना था। तभी मैदान के अंदर एक डीमन आता है जो कि रेड कलर का बहुत खतरनाक डीमन होता है, लेकिन जब हमें उसका साइज दिखाते हैं तो वो बहुत छोटा सा डीमन होता है। तभी फाइट स्टार्ट हो जाती है तो बोया उस डीमन को बहुत मारता है, लेकिन जैसे जैसे बोया उस डीमन को मार रहा होता है वैसे ही वैसे उस डीमन का साइज बढ़ता जा रहा होता है और कुछ देर बाद में उस डीमन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। और इसी वजह से रेड डीमन को आज तक कोई भी नहीं हरा पाया था। जब भी कोई उसको मारता था उसका साइज और उसकी ताकत बढ़ जाती थी और वो उस सामने वाले डीमन को मार देता था। अब वो बोया से भी एक बच्चे की तरह खेलने लगता है। लेकिन तभी किंगमिन एक पेपर पे मंत्र पढ़कर बोया के पास में भेज देता है। वो मंत्र उस डीमन के पैर के नीचे आ जाता है जिससे वो डीमन गिरने लगता है और किंगमिन खुद फिश डीमन के साथ में उस तलवार को लेने के लिए चला जाता है। इधर अब बोया उस डीमन को मारने लगता है। वो उसकी नाक पे पंची पंच मारता है जिससे वो डीमन छोटा होने लगता है। इस तरह से उस डीमन का साइज फिर से पहले की तरह बहुत छोटा हो जाता है। बोया उसे जान से मारने वाला होता है लेकिन वो रुक जाता है और उसको छोड़ देता है और शैरल को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी फिश डीमन के डीमन सिपाही उसे घेर लेते हैं, लेकिन तभी रेड डीमन बोया का साथ देता है। वो उन सिपाहियों पर हमला कर देता है। इधर किंगमिन के हाथ में वो तलवार आ गई थी लेकिन फिश डीमन उसे ले जाने से मना करता है। तो किंगमिन उस तलवार को लेकर वहां से भागने लगता है और उन सिपाहियों से लड़ने लगता है कि तभी वहां पर बैनी आ जाती है और वो किंगमिन को एक जादुई मंत्र में फंसा देती है जिससे किंगमिन भाग नहीं पाता है। लेकिन वो किसी तरह से उस मंत्र से निकल कर उल्टा बैनी को ही एक दूसरे डायमेंशन में फंसा देता है, लेकिन बैनी भी उस डायमेंशन से बाहर निकल आ जाती है। तभी वो दोनों अपनी पावर से उस तलवार के बॉक्स को अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बॉक्स किसी की तरफ नहीं जा रहा होता है और उल्टा वो बॉक्स टूट जाता है और उसमें से तलवार बाहर निकल जाती है और वो तलवार बोया के पास में आकर गिरती है। तो बोया उस तलवार को लेकर वहां से भागने लगता है। तभी बोया को डीमन गार्ड घेर लेते हैं और वहां पर किंगमिन भी आ जाता है और वो लोग उन सबसे लड़ने लगते हैं। जब कुछ गार्ड किंगमिन पे अटैक कर रहे होते हैं तो बैनी बीच में आ जाती है और घायल हो जाती है। बैनी किंगमिन की जान इसलिए बचाती है क्योंकि वो लोग बचपन से दोस्त थे और बैनी बचपन से ही किंगमिन को पसंद करती थी। तभी किंगमिन को भी गुस्सा आ जाता है। वो टेलीपोर्टेशन का यूज कर अपने सभी साथियों को लेकर वहां से चला जाता है और अपने घर पर पहुंचकर बैनी का इलाज करता है। बैनी को होश आते ही बैनी किंगमिन की तलवार मारने लगती है और उससे कहती है तुमने ही वो रेड स्टोन चुराया था, लेकिन किंगमिन उसे समझाता है कि उसने ऐसा नहीं किया था, कि उस रात उसने डीमन का साथ नहीं दिया था। मास्टर को गलत फहमी हुई थी। मास्टर को ये लग रहा था कि किंगमिन ने सीमू को मारा है लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जब वो वहां पहुंचा था तो पहले ही ये सब वहां पर हो चुका था और ये सब किसी और ने नहीं आइस डीमन ने किया था। तभी हमें बाहर बोया को दिखाते हैं। उसे लगता है कि वहां के एक रूम में कुछ खास है तो बोया वहां के उस मंत्र को हटाकर उस रूम को खोल देता है जिसमें से वो फेरेट बाहर निकल आता है। और फेरेट अब अपने होश में नहीं होता है, वो एक डीमन में बदल गया होता है। लाल पत्थर की वजह से वो नाइन हेड मॉन्स्टर के कंट्रोल में होता है। वो बोया पर फेरेट और सब पे अटैक करने लगता है। तभी किंगमिन आकर यिंग यांग की तलवार से उस फेरेट को मार देता है और वो लाल पत्थर बाहर आ जाता है। तभी बैनी वहां जाती है और उस पत्थर को उठा लेती है। अब वो किंगमिन से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, ये पत्थर इतने टाइम से तुम्हारे ही पास में था। और वो पत्थर लेकर वहां से चली जाती है और एक जंगल में आ जाती है और वो पत्थर अपने मास्टर को दे देती है कि तभी वहां पर एक आइस बॉम्ब आकर फट जाता है जिससे बहुत सारे सिपाही जम जाते हैं। और तभी हमें वहां पर आइस डीमन को दिखाते हैं। वो आइस डीमन मास्टर को भी मार देती है। वो मैनी को मारने वाली होती है कि तभी वहां पर किंगमिन आकर आइस डीमन को रोक देता है। आइस डीमन किंगमिन से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो मेरे मास्टर तुम्हें वो सब कुछ देंगे जो तुम चाहते हो। तब किंगमिन को पता चलता है कि आइस डीमन हेड नहीं है, उसके ऊपर भी कोई है। हम उस हाथ को देखते हैं जिसने उस डीमन को मारा था। वो हाथ बैनी का गला पकड़ लेता है। आइस डीमन भी किंगमिन पर अटैक कर देती है, लेकिन किंगमिन एक बहुत ही खतरनाक मूव यूज कर आइस डीमन की गर्दन काट देता है और अपने दोस्त सीमू की मौत का बदला ले लेता है। तो मरने से पहले आइस डीमन बताती है कि उसका मास्टर कोई और नहीं बल्कि सीमू ही है। तभी हम उस हाथ वाले डीमन को देखते हैं जो कि कोई और नहीं सीमू ही था। दरअसल में इसी ने ही उस पत्थर को चुराने की 7 साल पहले कोशिश की थी। वो उस रेड पत्थर को लेकर अपने सीने में लगा लेता है जिससे वो एक खतरनाक डीमन में बदल जाता है और डीमन रियल में चला जाता है और सारे डीमन को इकट्ठा कर लेता है और उन सब पे जादू कर उन्हें इविल डीमन में बदल देता है और उन्हें इंसानों पे अटैक करने के लिए राजी कर लेता है। तभी उसके बाद में जो किंगमिन के साथ में कुछ डीमन होते हैं उन्हें सबको एक मंत्र का पेपर का टुकड़ा दिया जाता है जिससे इस पे जीमो इन पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। अब
किंग मिंग जब सीमो के पास आता है तो सीमो से बताता है कि 7 साल पहले क्या हुआ था। वो बताता है कि जब वो रेड पत्थर को चरा रहा था तो उसकी पावर बहुत ज्यादा थी, वो उस टाइम पे उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए आइस डीमन ने उसका हाथ काट दिया था, लेकिन वो हाथ एक डीमन में बदल गया था। और वो कहता है कि उसने झूठ में मुझ पे हमला किया था जिससे तुम्हें ये लगे कि मैं मर चुका हूँ। और फिर वो दोनों वहां से टेलीपोर्टेशन वाली पावर का यूज कर निकल गए थे। और तभी ये सारी बातें सुनकर किंग मिंग जीमो पर अटैक कर देता है। किंग मिंग जीमो के सीने में वही यिंग यांग मास्टर वाली तलवार घुसा देता है, लेकिन जीमो को उससे कुछ नहीं होता है। वो उस तलवार को रेत में बदल कर तोड़ देता है। उस पत्थर की वजह से जीमो की पावर बहुत बढ़ चुकी थी। किंग मिंग के सारे डीमन सिपाहियों को दिखाते हैं, वो ब्रिज पर आ चुके होते हैं। और इधर जीमो के भी इविल डीमन ह्यूमन वर्ल्ड में उस पुल के थ्रू जा रहे होते हैं। उन लोगों के साथ में बोया भी होता है। वहां पर बहुत सारे फेरेट होते हैं जो कि नीचे से जाकर पुल को कतरने लगते हैं। इनमें से एक लड़की पेड़ में बदलकर ब्रिज का रास्ता रोकती है। तभी उनकी फाइट इविल डीमन से होने लगती है, जहां पिटते पिटते रेड डीमन बहुत बड़ा हो जाता है और वो सारे डीमन्स को मारने लगता है। लेकिन तभी जीमो भी वहां आ जाता है, जो कि अपने उसी हाथ पर आया होता है। उसने उसका साइज बहुत बड़ा कर लिया होता है और उसके पास में किंग मिंग कैद होता है। वो उन सबके सामने किंग मिंग को मारकर नीचे फेंक देता है, लेकिन वो लोग फिर भी हार नहीं मानते हैं और उसकी आर्मी से लड़ते रहते हैं। जैसे ही डीमन उन लोगों की तरफ बढ़ते हैं तो वो पुल नीचे गिरने लगता है, क्योंकि फेरेट ने उस पुल को कतर दिया था। एक छोटा सा टुकड़ा पुल का उससे जुड़ा हुआ रह जाता है। बोया उन डीमन से लड़ने के लिए उस पार चला जाता है और बाकी लोग बचे हुए ब्रिज के टुकड़े को तोड़ने लगते हैं। तभी हमें किंग मिंग को दिखाते हैं, जो कि अब उस स्टोन वाले रेल में होता है, जहां वो 9-हेड मॉन्स्टर उससे बात करता है, जो उसे दिखाता है कि सीमो उसके सारे साथियों को मार देगा। वो उससे कहता है, मैं तुम्हें सीमो को हराने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन वो उससे कहता है, बदले में तुम्हें मुझे अपना मास्टर मानना होगा। तभी हमें ऊपर का सीन दिखाते हैं, जहां वो फिश डीमन उस रेड डीमन को पकड़कर उसके तलवार मार देता है और वो फिश डीमन को पकड़कर ब्रिज तोड़ता हुआ नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी जीमो उस बड़े से हाथ से उस ब्रिज को जोड़ देता है। उस हाथ के ऊपर चढ़कर सारे डीमन उस पार जाने लगते हैं। वो लोग ऊपर जा ही रहे होते हैं कि तभी किंग मिंग वहां आ जाता है और उस हाथ को उड़ा देता है। और अब वो बहुत ही खतरनाक और पावरफुल लग रहा होता है, क्योंकि उसे 9-हेड मॉन्स्टर ने बहुत सारी पावर दे दी थी, उसे बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया था। किंग मिंग और जीमो में फाइट होने लगती है। जीमो उस पर बहुत खतरनाक अटैक करता है, लेकिन अब किंग मिंग उसके सारे अटैक को आसानी से रोक देता है। वो उसके हाथ को भी तबाह कर देता है और गुस्से में आकर अपने हाथ से किंग मिंग के सीने में हाथ डालकर उस रेड स्टोन को निकाल लेता है। उसके बाद में जीमो राग बनकर मर जाता है। तभी बेनी भी वहां आ जाती है और तभी किंग मिंग उन सबके सामने उस लाल पत्थर को तोड़ देता है और खुद डीमन रेल में डीमन के साथ में चला जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, सभी लोगों को बचाने के लिए किंग मिंग ने उस 9-हेड वाले डीमन को अपना मास्टर चुन लिया है। आजाद होने के लिए वो डीमन उससे जुड़ जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन किंग मिंग उससे कहता है कि मैं खुद को मार लूंगा। अगर किंग मिंग खुद को मार लेगा तो वो डीमन वहां से नहीं निकल सकता था और हमेशा के लिए हिलक के रह जाएगा, क्योंकि अब तो स्टोन भी नहीं बचा था। लेकिन किंग मिंग भी अब ह्यूमन के बीच में नहीं रह सकता था, क्योंकि कभी कभी वो डीमन किंग मिंग पर हावी हो जाता जिससे ह्यूमन को नुकसान हो सकता था। इसलिए वो अपने सारे साथियों को छोड़कर डीमन के साथ में डीमन लैंड चला जाता है। और यही इस मूवी का एंड हो जाता है।